बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम केजरीवाल ने सातवां समन भी ठुकरा दिया है, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने कोर्ट में मामले का हवाला दिया। शराब घोटाला मामले में पूछताछ होनी है, बड़ी और अहम खबर। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार समन पर समन ईडी भेजे जा रही है, लेकिन केजरीवाल पेश होने से इनकार करते रहे। एक बार फिर से उनकी तरफ से पेश होने से मना कर दिया गया। इसके पहले 6 समन्स को लेकर भी अरविंद केजरीवाल का रुख यही रहा है, और 10 समन के बाद गिरफ्तार हो गए थे हेमंत सोरेन, और 7वीं बार पेशी से केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। सवाल यही कि क्या अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। उससे भी अहम सवाल ये, क्योंकि मामले को लेकर ईडी ने कोर्ट का रुख कर लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि विधानसभा सत्र है, इस वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने अगली तारीख दी थी। अब देखना यह है कि 7वीं बार पेशी से इनकार करने के बाद क्या ईडी अगला समन भी भेजती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को लेकर लगातार ईडी समन पर समन भेजे जा रही है। दरअसल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं, संजय सिंह को जेल में भेजा गया, इसी तरह से सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जेल में है। एक्साइज पॉलिसी और उससे जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता फिलहाल लगातार परेशान हैं, वो दिक्कत झेल रहे हैं और कानूनी कार्रवाई का असर उन पर पड़ रहा है। 3 नेता पहले ही जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ये सवाल इस वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने दावा भी किया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, कोर्ट में मामला है, अगली सुनवाई 16 मार्च को है। आपका ये कहना है ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी ने पक्ष रखा, कहा मामला कोर्ट में है इस वजह से केजरीवाल पेश नहीं होंगे, ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट के रुख का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, कोर्ट में मामला है जिसको लेकर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कस रहा है, और 7 समन भेजे जा चुके हैं ईडी की तरफ से। पहला समन 2 नवंबर को पेशी, बहाना बनाया कि चुनाव प्रचार है। अगला समन 21 दिसंबर को आया, बहाना कि विपक्षना के लिए जाना है। और तीसरा समन 3 जनवरी को पेशी होनी थी, लेकिन पारदर्शिता का अभाव आरोप ईडी पर मढ़ा। चौथा समन 18 जनवरी को, बहाना कि मकसद ईडी का गिरफ्तार करना है, इस वजह से पेश नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेश झा फोनलाइन पर कनेक्ट है। सुरेश, 7वां समन भी एक तरह से केजरीवाल ने खारिज कर दिया है, वो पेश नहीं होंगे, अब ऐसे में ईडी का रुख क्या हो सकता है, और सबसे अहम सवाल, क्या गिरफ्तारी की तलवार भी अब अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है? जैसा कि अभी आपने खुद ही डाटा दिया कि अरविंद केजरीवाल की इससे पहले 6 समन भेजे जा चुके थे पूछताछ के लिए, शामिल होने के लिए 6 समन में नहीं पेश हुए, तो उनको 7वां समन भेजा गया था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि आपको जो है, यानी कि आज 26 फरवरी को उन्हें पेश होना था ईडी मुख्यालय में, तमाम तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन जैसा कि उन्होंने फिर एक बार कहा कि वो पेश नहीं होंगे। अभी फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। अब ईडी इस पे जो अपना रुख, क्योंकि ईडी ने भी इस पूरे मामले में गई हुई है, अभी कोर्ट की इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से ईडी के समन को लगातार जो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अब अंत में एक ही ऑप्शन रह जाता है ईडी के पास, गिरफ्तारी का, क्योंकि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार पूछताछ को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ईडी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है गिरफ्तारी का। लेकिन अभी देखना कि ईडी पूरे मामले के अंदर अपना क्या रुख रखती है, फिलहाल के अंदर मामला है, कोर्ट भी क्या फैसला देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मुसीबत जो है केजरीवाल के लिए बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। सुरेश, जो लगातार हवाला दिया जा रहा है कि मामला कोर्ट में, इस वजह से कोर्ट के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए था, इस पर कानूनी पक्ष क्या है? देखिए, कोर्ट में ईडी गई थी क्योंकि इनको लगातार पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है, समन की अनदेखी कर रहे हैं, समन को ये अवहेलना कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि समन जो है वो ठीक नहीं है, समन उनको जिस तरह से भेजा जाना चाहिए उस तरीके से वो नहीं भेजा जा रहा, ये तमाम तरह के आरोप खुद ईडी पे लगा रहे हैं, इनके समन को कहीं ना कहीं ये उससे चुनौती दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सुरेश, आपका बहुत शुक्रिया।